हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करेंगे विटफील्ड क्रीम के बारे में, जो 10 ग्राम के पैक में आसानी से आपको हर मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ में जो बेल का आइकॉन दिया गया है उसको ज़रूर दबा दें, ताकि आपको नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, ये आपने क्रीम देखा होगा, बहुत सस्ता क्रीम है, 11 रुपये का क्रीम है और आपको आसानी से हर मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा। लेकिन इसमें कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान थे, तो हम बात करेंगे इसके फ़ायदों के बारे में। दोस्तों, ये बहुत ही बेहतरीन स्किन के ऊपर इस्तेमाल होने वाला क्रीम है, जिसको सोरियासिस या फिर स्कैरियासिस है, जिनको सोरियासिस है ये उनके लिए बहुत ही बेहतरीन क्रीम है। और इसके अंदर मैं आपको बताता चलूँ, बेंजोइक एसिड और सैलिसिलिक एसिड इसके अंदर कंटेन है, जो पिलिंग्स के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है, जो पर हमारे चेहरे पे अगर कभी फुंसियों के आसपास पास पानी या फिर पस हो जाता है, उसके लिए भी बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। दोस्तों, दूसरी बात मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो क्रीम है वो आप बगैर डॉक्टर की सलाह के ना लें, क्योंकि इसके अंदर जो सैलिसिलिक एसिड है वो आपको रिएक्शन दे सकता है और आपकी त्वचा डार्क हो सकती है, यानी कि आपकी त्वचा का निखार कम हो सकता है, क्योंकि उसका रिएक्शन यही है कि वो त्वचा के निखार को कम करता है। उसके फ़ायदे हैं, आपको सोरियासिस ठीक हो सकता है, वाइट स्पॉट, वाइट पैचेस, चेहरे के ऊपर दाग धब्बे ठीक हो सकते हैं। लेकिन इसके पहले आपको इसका स्किन सेंसिटिव टेस्ट ज़रूर करा ले, डॉक्टर की सलाह के अंदर आप इसको इस्तेमाल करें, का बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, इसको बगैर डॉक्टर की सलाह से लेते हैं तो उसका रिएक्शन आता है, क्योंकि ये क्रीम बहुत अच्छा है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, कि ये जो है क्रीम बर्न हील, यानी कि जो पैर की एड़ियाँ कट जाती है उसके लिए भी बहुत ही अच्छा है, और उसमें इसका इस्तेमाल अच्छी तरह से कर सकते हैं। जैसे कि होम्योपैथी क्रीम एक होता है सल्फर ग्राफाइट, उसको दोनों को मिलाकर अगर कोई क्रीम बनाते हैं तो उसको बेहतरीन रिजल्ट आपको मिल सकता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमें कमेंट ज़रूर कर दे और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल का आइकॉन ज़रूर दबा दें।